गांव में हमारा कवरेज जारी है, इसके लिए चाहिए छोटे दुकानदार भैया सील लगाए हुए हैं और एक सील दिए हैं। और नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू किया है जीएस न्यूज। जी हां, दशहरे का नवमी का आज संध्या का समय है और हम हैं भागलपुर जिले के तेतरी दुर्गा स्थान के समीप में। प्रत्येक वर्ष लगातार कई वर्षों से यहां भारी भीड़ जमा होती है और जमकर मेला लगता है, कई स्थानों से लोग पहुंचते हैं। इस बार की स्थिति ऐसी है कि कोरोना को लेकर जहां लोगों की संख्या कुछ कम हुई है, हालांकि इसे बहुत कम नहीं कहा जाए क्योंकि जगह छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बारे में आइए जानते हैं यहां के दुकानदारों से और मेला में जो लोग आए हैं ओकरो से। कंटा पूछी लेबे भैया, जब हम मेला में लो छो कहनो लागि रहल छो, कोरोना के की कोनो प्रभाव छै या नहीं छै, कोरोना छै कि नहीं छै? हालांकि एक बात मैं आपको बताते चलूं कि मेला में अभी तक जितने लोगों से हम लोग मिलते आ रहे हैं शायद ही किसी ने मास्क लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग तो भैया यहाँ के संभव ही नहीं है क्योंकि जगह भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी संख्याओं में लोग उपस्थित होती है। मेला कमेटी को प्रशासनिक अधिकारी के मीटिंग में समझा दिया गया कि मेला कमेटी इस चीज को सरकारी नियमों और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखेंगे, लेकिन कितनी वास्तविकता है, क्या है स्थिति, हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तारों से मिलेंगे, आम लोगों से पूछेंगे कि कैसी है स्थिति, कैसा है कोरोना का प्रभाव, क्या मेला में इस बार दुर्गा पूजा में कोई प्रभाव है या समाप्त हो गया, कैसा है कोरोना में इस बार बाजार, मेला में मन लग रहा है क्या, दुकानदारी है? दुकानदारी बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ। पिछले कितना साल से यहाँ के दुकानदारी करते हैं? तीन साल से। कितना कितना का बेचते थे सामान? आज नवमी का समय है, कितना बेच चुके हैं अभी तक में? हजार के लगभग। तो मेला में मतलब बहुत ज्यादा इस बार दिक्कत है, वैसा बिक्री नहीं है। क्या नाम हो आपका? बेच रही है खिलौना? अच्छा, कैसा लग रहा है, पहले कभी बेची है, पहले कभी मेला आई है? 4 साल से बेच रही है। क्या नाम है तुम्हारा? इस बार कैसा लग रहा है, सामान बिक रहा है क्या खिलौने का? सब लोग घूम रहे हैं, भीड़ लग रहा है, क्या आपको लगता है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नंदलाल यादव। जी, आपका घर? खरे। जी बताइए, मेला में जो है मतलब सरकारी गाइडलाइन का नियम का पालन हो रहा है क्या? अरे कोई बीमारी उमारी नहीं है। कल देखे प्रधानमंत्री को मंच पर भाषण दे रहा था पूरा इंडिया के साथ, यहाँ दुर्गा में हम लोग को कुछ नहीं करना है, होबे नहीं किया नहीं होगा। दुकानदारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि कोरोना को लेकर जहां लोगों की संख्या कम हो रही है वहीं खरीदारी पर भी इसका असर पड़ा है। आइए और दुकानदार से जानते हैं क्या कहते हैं वो। अमर, यहाँ कौन सा दुकान खोले आपकी, क्या बेच रहे हैं? मिठाई दुकान। क्या इस बार कोरोना को लेकर प्रभाव है क्या मेला में? प्रदीप कुमार जैन फ्रॉम खरीक बाजार। अच्छा, खरीक बाजार से है सर। जी, जी। सर, इस बार मेला में कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन है, क्या आपको लगता है पालन हो रहा है? पालन तो कुछ नहीं हो रहा है, हम खुद स्वयं नहीं कर रहे हैं। जी, पालन नहीं हो रहा। क्यों नहीं कर रहे हैं सर ऐसा? नहीं कर रहे, प्रयास करते हैं, भीड़ भाड़ में हो नहीं पाता है। अच्छा, आपको लगता है कि ये मेला लगाना, भीड़ जमा करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत संकट आ सकता है? संकट तो आ सकता है, चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े महारथी लगे हुए हैं, बड़े बड़े महारथी कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, तो भी चुनाव स्थगित नहीं हुआ, तो धार्मिक कार्य स्थगित नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, धार्मिक कार्य और मेला दोनों में अंतर है सर। मेला कम बेसी लग सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें जरा सा भी पालन नहीं किया जा रहा है किसी भी चीज का, और ये कमेटी चाह के भी नहीं कर सकती है। जब हमारे आप में विवेक नहीं होगा तब तक कमेटी चाह। सर, महज से 10% भी लोग बिना मास्क नहीं लगाए हैं।
मोटा मोटी लगता कुछ ऐसा ही है जी। आप कोई अपील करना चाहेंगे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे सर? नहीं, सरकार तक बात तो यही ना है कि भाई ये पालन करना चाहिए। अभी सर दुर्गा पूजा है, फिर काली पूजा भी होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जरूर होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसके लिए तो प्रशासन एकदम हार्ड एंड फास्ट हो तभी संभव है। प्रशासन अगर कुछ संभव भी होती तो चुनाव सामने में है, सभी लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए प्रशासन का ईश्वर कोई नजर नहीं है। वही उतने भीड़ लोग के अच्छा मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है वो कतना टा पालन भर लो छे तो सब कहने मास्क लगा के लो की नाम छको तोरो? कौन क्लास में पढ़ छ तो? टेंथ में। तो टेंथ का टेंथ के बच्चा यहाँ आइलो छे तो मास्क लगाना चाहिए की? हाँ। सरकार ने नियम देना छे तो मास्क नहीं लगे रह छे? कोई नहीं लगाना चाहिए यही द्वारा। अपना परिचय दें और बताएं कि मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं ग्रामवासी तेतरी का हूं। और जहां तक लोगों की सवाल है कि लोग क्या बोलते हैं इलेक्शन को लेकर और मेला को लेकर, तो ये जेन्युइन बात है कि आज के डेट में सरकार ने जो भी नियम कायदा किया है उसके तहत हम लोग को काम करना चाहिए। और मेला में जो भीड़ लग रही है तो वो भीड़ का कारण खुद हम लोग हैं, ना कि मेला कमेटी है ना ही प्रशासन है। इसमें हम लोग को सेल्फ अपना इसमें सुरक्षा रखना पड़ेगा, दूरी बना के रखना पड़ेगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, जिससे कि ये जो बीमारी है ये बीमारी नहीं फैले। क्योंकि आदमी एम्बुलेंस पे सरकार नहीं जाएगी ना आएगा वो आदमी जो कि कोरोना को मतलब कोरोना को एक तरह से कहिए कि भीड़ भाड़ में जाके अपने आप को कोरोना को हासिल करता है, लेता है। इसलिए आप आम लोगों से क्या अपील करेंगे आगामी फिर काली मेला छठ पूजा बहुत तरह का हो रहा है, लोगों से अभी भी अपील कर रहे हैं और आगे दिवाली और छठ पूजा के लिए भी अपील है कि आप लोग अपने सेल्फ सुरक्षा में रहिए और सेल्फ सुरक्षा से ही आप कोरोना या कोई भी महामारी से बच सकते हैं। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन हम लोग को हर संभव मदद करती है और करती आ रही है। और इसमें इससे ज़्यादा यही मैं कह सकता हूं कि यहां पे माँ देवी की पूजा होती है, यहां पे किसी कोरोना का वास नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग को अपनी सुरक्षा को अपने अंदर लेके चलना पड़ेगा जिससे कि ये मेला भी सफल हो। और अभी जो इलेक्शन का समय आ रहा है गोपालपुर विधानसभा का, यहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से हो जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहें और जितने हमारे अतिथिगण आएंगे कर्मचारी आएंगे इलेक्शन में वो भी सुरक्षित रहें और प्रशासन भी सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है दुर्गा माँ से। कभी स्थिति हुई थी क्या? कभी नहीं हुई, पहली बार है। पहली बार। कितना का बिक्री पहले करते थे आप? पहले मतलब मिनिमम 20,000। अभी क्या स्थिति है? अभी मतलब 3,000 बेचे होंगे आज। हाँ। लोगों की भीड़ कम उमड़ रही है क्या दुकान पर? कम, बहुत कम भीड़। कितना का सामान बेच लेते थे मेला में? पहले तो लगभग 30,000-40,000 का बेच लेते थे, अभी बहुत कम। स्थिति कैसा है, कोरोना को लेकर क्या प्रभाव है? हाँ, बहुत प्रभाव। कोरोना को लेकर बीच में यह मेला का आयोजन है? अच्छा लगता है और हम लोग सब दिन यहीं पे आते हैं, ये मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है और ये बीमारी तो आते ही जाती रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग आस्था के साथ यहीं पे आते हैं पूजा करने के लिए। आपको लगता है कि कोरोना का भी इलाज मैया के दरबार में ही है? हाँ है, इसीलिए तो सब छोड़ दिया गया है माता पे। बलि प्रथा नहीं है, यहाँ से खुलाइस पूजा होता है, संकल्प पूजा होता है, यहाँ का विसर्जन बहुत भव्य है। यहाँ विसर्जन में आदमी का सिर्फ बाल ही दिखाई यानी सर ही दिखाई पड़ता है और उसके बाद ताली से इतना गड़गड़ाहट होता है कि पूरा गांव का गुंजमान हो जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ज्योति कुमारी है। अच्छा, आपको लगता है ज्योति जी की सरकारी नियम का पालन हो रहा है या नहीं? सरकारी नियम का तो पालन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, नियम नहीं हो रहे। लेकिन माँ भी परिचय दें और बताएं कि कोरोना को लेकर क्या कोई प्रभाव पड़ा है? जगत जननी जगदम्बा के इस प्रांगण में आज से पहले और आज तक
जिस तरह संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए साथ ही साथ अपनी पारंपरिक मर्यादाओं को अपने अंदर समेटे हुए जितनी भी पूजा की विधि थी वो सारी पूरी की गई। हाँ, फर्क है, थोड़ा सा फर्क तो रखना ही चाहिए, इसलिए भी रखना चाहिए कि हम लोग अभी वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे निजात अभी मिला नहीं है। थोड़ा सा ठहराव जरूर हुआ है लेकिन हमें सावधान रहना है। सर, क्या आपको लगता है कि सर सरकारी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? यूँ तो सरकारी गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करना आज के डेट में और ख़ास करके तेतरी वाली मैया के प्रांगण में थोड़ा सा असंभव लगता है और असंभव है भी। बहरहाल जितनी दूरी बना के चलनी चाहिए उतना तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो दूरी सर बना आप के मेला कमेटी से हैं और 5% लोग भी मास्क के साथ नहीं है, कोई आप अपील करना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा जितने भी जायरीन इस जलसे में यहाँ आवे वो अपना कम से कम मास्क का प्रयोग करें। अगर मास्क उपलब्ध ना हो सका हो तो गमछे का प्रयोग निश्चित रूप से करें। और ये कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आज के दिन आपसे मैं विनती करता हूँ कि पूरे विश्व में जो ये महामारी फैली हुई है इसको जितनी जल्द हो आप समाप्त करें और हमें रोग मुक्त करें। पूछे दें और बताएं कि क्या कैसी स्थिति है इस बार मेला की कोरोना को लेकर। जय माता दी, भारत माता की जय। कोरोना काल पूरे विश्व में फैला हुआ है, फिर भी हमारे भारत की युवकगण कहते हैं, दुर्गा सप्तती में लिखा हुआ है, माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी, माता शिव प्रिय तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवकगण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। आ हे माता, हमारे भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो, हमारी सहायक हो। हर युवा यही कहते हैं, हर क्योंकि हर व्यक्ति कहता है हे माँ, तू हर इंसान की माँ है, तू हर मुरादों की मंजिल है। और सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, पुरुष भाइयों, सभी माता से यही प्रार्थना करते हैं, कटिबद्ध प्रार्थना करते हैं, इस कोरोना काल से, इस कोरोना महामारी से जितना जल्दी हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके हमें निजात दिलाएं। पहले से और इस बार कुछ अंतर लग रहा है क्या कोरोना को लेकर? बिल्कुल अंतर हुआ है, लेकिन हमारी तेतरी वाली मैया के सजावट में कोई अंतर नहीं हुआ है। यह हमारा आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है, यह सजावट जो है हर साल रहती है और इतनी भीड़ तो लगभग रहती ही है। और थोड़ा बहुत अंतर हुआ है जो कि पूजा में, मेला में असर पड़ा है। कल को लेकर मेरा नाम क्या हुआ, कोरोना को लेकर तो मेला में कुछ अंतर है और द्वादश अध्याय में लिखा हुआ है साया पिता सौ विज्ञान तुष्टानी, भगवती जो है वही जो है विज्ञान को देती है और वही वही इसका इलाज दवाई निकाल। आपको लगता है कि कोरोना का भी इलाज मैया के दरबार में ही है? हाँ, कोरोना का भी दरबार मैया के ही दरबार में है। द्वादश अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है साया पिता सौ विज्ञान तुष्टानी। हमारे साथ कैमरा में है कन्हैया, लेकिन हम लगा रहे हैं और देखते हैं कि कैसा होता है। और बजा उजा दिया भैया, तो भैया एक सिंह दिए हैं और सिंह लगा लिए हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। प्रभाव ये है कि क्या मेला में इसका प्रभाव पड़ा है, देखिए मेला के रंग में आ गए हैं इसलिए ये सिंह लगा लिए हैं। पूछते हैं भैया, भैया क्या मेला में बिक्री का कोई प्रभाव पड़ा है? आपको क्या लगता है कि कोरोना को लेकर जो है ये मेला से दुकानदारी बहुत प्रभावित हुआ? अच्छा, मतलब कि आदमी का भीड़ पिछले साल के साथ कम हुआ था क्या? बहुत इस पर आधा लोग। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये जो भैया ये बेच रहे हैं इसी लगा हुआ, इसको
कितना में बेचते हैं? हम बेचते हैं 50 रुपए में। अच्छा 50 रुपए में, पिछले मतलब पहली बार सिंगूंग लाए हैं कि पहले से मेले मेले के मेले का ही आइटम है? देखिए मेला के आइटम के लिए भाई साहब ये सिंग और सब बहुत सारा छाता होता सब इनके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल को लेकर जो मेला में है इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, खास करके इन तरह के जो छोटे दुकानदार हैं जो महाजन से पैसा उधार सूद ब्याज पर पैसा लेकर रोजगार करने के लिए कुछ पैसा कमाने के उद्देश्य से मेला आते हैं, लेकिन मेला में इस बार कोरोना को लेकर जो है उतनी भीड़ नहीं है और भीड़ के कारण इनकी उतनी बिक्री नहीं है, जिसका एक चिंता का एक समस्या का एक तकलीफ का जो फिकन है वो उनके चेहरे पर दिख रहा है। सर बताएंगे कि क्या कैसी स्थिति है मेला की, आप तेतरी मेला घूम रहे हैं बिना मास्क उसके के, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? सर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये तेतरी का मेला ऐतिहासिक मेला के रूप में अब सभी समस्त ग्रामीण यहाँ से दूर दराज के लोग आते हैं, वहाँ भगवती की असीम अनुकंपा है, कृपा हम लोगों पे है, हम भक्तजनों पे, जो कि कोई भी महामारी हो माँ भगवती के सामने वो सारे के सारे हो जाते हैं। ये मेला में जो भीड़ लग रही है बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, इससे क्या कुछ खतरा भी बन सकता है? देखिए जैसा कि कोरोना अभी चला नहीं गया है, कोरोना का जहाँ तक बात रही वो तो सतर्कता जो है कि हम इंसानों को हमेशा से रहना ही चाहिए, और जहाँ तक बात रही कोरोना की तो इंसान खुद ब खुद अब उतना व्यस्त हो चुके हैं इस कोरोना के चलते जो कि अपने साथ में सैनिटाइजर मास्क वगैरह मेला में आने के बावजूद भी साथ में रखे हुए हैं और घर जाने के बाद भी लोग इससे भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो जो जिनकी असीम अनुकंपा है हम लोगों पे वहाँ कोरोना हम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैसा कैसा है दुकानदारी से? हर साल के बनिस्पत 15% है। 15% पहले कितना का माल बेचते हैं? पहले बेचते थे 4,000-5,000 का, लेकिन अभी का क्या स्थिति है? अभी कितना हुआ है? पहले 4,000-5,000 बेचते थे, आज के डेट में 500 बेचे। क्या बेचते हैं आप? आइसक्रीम। क्या नाम हो आपका? शिव जी नोनिया। प्रभाव है कुछ कोरोना को लेकर? बहुत ज्यादा प्रभाव है कोरोना को लेकर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए था सरकार को, जो कि अभी इलेक्शन करवा रही है, इलेक्शन करवाने के चक्कर में तो और ज्यादा भीड़ हो रहा है और इलेक्शन का ज्यादा भीड़ है, मेला का भीड़ कम इलेक्शन का ज्यादा है। अच्छा एक चीज, एक सवाल था हमारा आपसे, सरकारी गाइडलाइंस को लोग ताक पर रख दिए हैं, इससे होने वाले समस्या के जिम्मेवार कौन होंगे? सरकार जिम्मेदार है। बोलिए क्यों? इसलिए कि रोजगार ठप है, हर जगह पैसा का मारामारी है, आज स्थिति यह है कि आदमी के पास पैसा नहीं है, जिसके कारण कि मार्केट में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, आदमी क्या करे, घर में मरेगा तो नहीं, इसलिए उसको रोड पे आना पड़ रहा है जबरदस्ती, ताकि अपने परिवार को मेला बढ़िया लगे। कोरोना लग के नरे मास्क उसके लगवे, लेकिन कोई नहीं लगेना चाहिए, जरा पर नहीं लगना चाहिए, इस बीमारी फैले वाला गप्पो होते कि मास्क लगेला कौन चीज फायदा होता है? देखे चुनाव जो हो रहा है ओकरा में कुछ पाबंदी नहीं, एत जे भीड़ छे या चुनाव में भीड़ छे इस प्रभाव पड़ते कि प्रभाव कौन चीज पड़ते? लोग तो एकदम निर्भय हो रहा है, एकदम पहले के अपेक्षा सामान्य लग रहा है। अच्छा जो आइन कोई बीमार पड़ते तो सिवाय दोष के कुछ हुआ पर है ककरो कपार पर थोपी दलो एकरा अलावा? नहीं सरकार नहीं तो मन लगे फिजिकल डिस्टेंस बनाए चलो, लेकिन जो है दोष नहीं दिया पड़े दोष नहीं बीमार होला के बाद वहाँ अस्पताल में केकरा याद करते कौन गलती का अपना? अब गलती है ना, देखो कोरोना काल तो चलिए लेकिन कोरोना देवी कोरोना काल तो चलिए लोग दोष देते हैं। जी बताइए क्या कोरोना को लेकर इसका प्रभाव है मेला में? मेला में प्रभाव तो बहुत है लेकिन इलेक्शन में तो कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा आपको लगता है कि यहाँ जो भीड़ है या इलेक्शन में है अगर कोई बीमार होंगे उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगा ना? अच्छा स्ट्रेचर पर जब आदमी पड़ा रहेगा मरीज वहाँ वो किसे याद करेगा? किसको याद करेगा? अपने याद करेगा, सरकार को याद करेगा? सरकार इलाज करा देगी वहाँ? सरकार तो नहीं करा सकता, सरकार को अपने नहीं पूरा, सरकार कहाँ से कराएगा? तो बताइए तो लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सरकार को खुद सरकार अब देखते हैं, भागलपुर में भी रैली हुआ इससे ज्यादा हमको लगता है मेले से ज्यादा तो भीड़ सेंटिस कंपाउंड में था, तो अभी हम सेंटिस कंपाउंड से आए हैं परसों, मोदी आया था तो हम वहाँ से ज्यादा वहाँ से कम भीड़ है यहाँ पे।
अच्छा नहीं, हमको ये जानना है कि ये भीड़ से अगर संक्रमण फैलता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे आपके नज़र से? मेरे नज़र से तो पब्लिक का जिम्मेदार होगा। जी, आप मानते हैं कि पब्लिक की गलती है? बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ क्षेत्रीय सिंगर हूँ, वरुण वेदांत मेरा नाम है। कोई अपनी एक प्रस्तुति दीजिए। मेरा बहुत सारा यूट्यूब पे सॉन्ग है और मेरा बहुत ही अच्छा फेमस सॉन्ग है जो कि हम भी देवी गीत, मैंने एक देवी गीत गाया है जो कि बहुत सारा है, लेकिन मैंने कुछ क्षण पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ आपके बीच। जैसे कि मेरा गाना है, वाणी हम गरीब माई दर कैसे आई, वाणी हम गरीब माई दर कैसे आई, रुपया न पैसा बाटे चुंदरी कैसे लाई, रुपया न पैसा बाटे चुंदरी कैसे लाई। ये ऐसे इस तरह के गाने बहुत